आज की रेसिपीज है गुलगुला, जिसको मीठा पीवा भी बोलते हैं। और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। और आज हम जो बना रहे हैं वो गेहूं के आटा से बना रहे हैं और गुड़ से। इसमें कोई चीनी नहीं यूज़ कर रहे, ना कोई मैदा, ना कोई सूजी। तो बहुत हेल्दी है, बच्चे बड़े सबको को अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक पैन चढ़ाएंगे और एक कटोरा हम पानी लेंगे। जिस कटोरे में हम पानी लिए हैं उसी से सारा मेजरमेंट रहेगा। बहुत इजी तरीके से आपको मेजरमेंट बताएंगे, तुरंत आप बना लीजिएगा। कोई भी बच्चे बड़े, जितना एक कटोरी हम पानी लिए तो एक कटोरा हम उसी कटोरे से गुड़ लेंगे। ये कटा हुआ गुड़ है और इसको अच्छे से उबल जाने देंगे हम। फ्लेम लो टू मीडियम, मीडियम ही रखिएगा, लो भी नहीं मीडियम रखिएगा। आप लोग और मीठा खाना चाहे तो ऊपर से और गुड़ ले सकते हैं, लेकिन इतना इनफ है, इतना में बहुत अच्छा बन जाता है, मीठा काफी रहता है। गुलगुले जनरली ना भगवान को भोग लगाने के लिए लोग पारंपरिक तरीके से भी यूज करते हैं। गुलगुला फेस्टिवल्स में ही बनता है। हमको भी भगवान को भोग लगाना था इसलिए हम आज गुलगुला बना रहे हैं। तो जी फिर एक कप हम आटा डालेंगे, एक कप या बोल दीजिए एक कटोरा पानी, एक कटोरा गुड़ और ये एक कटोरा डाले हैं हम आटा। उससे पहले बीच में ये इलायची पाउडर भी डाले थे, बताना भूल गए, ऐसे मेंशन किया हुआ है। और इसको अच्छे से मिलाते जाना है, क्लॉकवाइज अच्छे से घुमाते हुए मिलाते जाएंगे। हाँ, और थोड़ा सा जो ये है गुड़ वाला पाक जो था वो हल्का सा ठंडा हो गया था, उसके बाद आटा डाले थे, बताना भूल गए। और इस तरह स्पैचुला से हल्का हल्का जो गांठ बन गया है छोटे छोटे उसको हल्का हल्का क्रश करते जाएंगे। और ऐसे करने से ना बैटर थोड़ा सा बहुत स्मूथ भी बनेगा। मेजरमेंट एकदम इतना ही रखिएगा। देखिए कैसा है, एकदम हल्का सा रिबन वाला, वो भी लगातार रिबन नहीं है, टूट टूट के गिर रहा है, वो वैसा रिबन टाइप है। देखिए ऐसा ही एकदम कंसिस्टेंसी रहेगा। मेजरमेंट तो एकदम सिंपल सा है, कोई भी बना लेगा। अब हम इसमें एक दो चुटकी हम मीठा सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जो भी बोल सकते हैं। इसको डालने से ना थोड़ा सा फूला फूला बनेगा आपका गुलगुला या पुआ बोल लीजिए। और अच्छे से मिला लेंगे। सोडा डालने के बाद ना ज्यादा कस के नहीं हिलाना है, हल्का हल्का हाथ से हिलाना है। अब देखिए ऑयल गरम हो गया है, ऑयल घी जिस चीज में आप बनाना चाहे, और हल्का सा डाल के देखेंगे ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। और फ्लेम आपका मीडियम ही रहेगा, हाई नहीं कर दीजिएगा वरना ऊपर से सिक जाएगा एकदम और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम गरम होना चाहिए आपका तेल। तो मेरा तेल लगभग गरम हो चुका है, तब हम डाल देंगे। देखिए कितने आराम से डाल आता है। ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, पुच्छी वाला बन गया है। कोशिश कीजिएगा कि इस तरह पुच्छी वाला ना बने, आराम से बहुत आराम से डल जाता है, गोल गोल बहुत अच्छे से बन जाएगा। और अभी जो शेप देख रहे हैं ना इसे डबल हो जाएगा, देखिएगा जितना अच्छे से फेटिएगा ना उतना अच्छा फूलेगा आपका गुलगुला। इस तरह का चौड़ा पैन लेने से ना एक बार में बहुत सारा बन जाता है।
और देखिए किस तरह फूल रहा है, अपने साइज से पूरा डबल होते जा रहा है। और डालने का आप लोग तरीका देख लिए ना, कितना इजी है, आराम से डल जा रहा है। और इस तरह से साइड साइड से स्पैचुला से हिलाते जाएंगे, डायरेक्ट नहीं पलटना है। देखिए किस तरह कितना अच्छा से फूल गया है आपका गुलगुला, और बहुत टेस्टी बना था। गुड़ का है तो टेस्टी रहेगा ही, गुड़ और आटा का है तो। इसी तरह धीरे धीरे करके सबको पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम सुनहरा कलर। ऐसे ही आपको भी बनाना है। देखिए कितना इजी तरीके से बना है। आप अगर बैटर में ना आटा के साथ अगर आप क्रश्ड कोकोनट डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, सूजी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। हम ऐसे ही सिंपल तरीके से गुलगुले बनाते हैं, यही बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आपको मेरा रेसिपीज कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप भी जरूर से बनाइएगा। और किस किस को गुलगुला पसंद है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब सब्सक्राइब कर चुके तो बेल आइकन जरूर से दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले मेरा वीडियो का। और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो। आप प्लेटिंग करके देखिए, दिखाते हैं। देखिए कितना साइज से सारा डबल हो चुका है, एयर पॉकेट्स आ गया है। तोड़ के दिखाएंगे आपको। देखिए अंदर से कितना अच्छा बना है, अंदर कोई गांठ कुठली नहीं है। आप लोग भी मेरी तरह से बनाइएगा तो ऐसे ही बहुत अच्छा बनेगा, अंदर से पूरा फूला फूला बनेगा, कोई गुठली नहीं बनेगा। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।